वही भेजन नंदा अब अगसाल बोले मुलाकात। यहाँ पे है ओंकारेश्वर महादेव का मंदिर जहाँ पे भगवान केदारनाथ और मधमेश्वर का, और आज हमारी माँ नंदा भी माँ भी जा रही है। आज की सुबह की शुरुआत भी मस्त इस चमचमाती हुई धूप से हो रही है। और दादी गुड मॉर्निंग, दादी कैसी हो दादी? का बॉय इनकमिंग और आउटगोइंग थोड़ा सा कम हो गया। और अब्बू और परवेश देखो वहाँ पे, मतलब ये ना हल लगाना गया था और वो दोनों अभी लगे हुए हैं कल के जूते धोने पे। बाकी हमारी भी हो गई एक नए दिन की शुरुआत। और कल जैसे आपने देखा कि नंदा का मेला था, और आज नंदा को भेजने के लिए उनके ससुराल जाना है। और वहाँ ना मतलब एक आदमी गांव से एक आदमी की ड्यूटी लगती है, वो उनको लेके जाते हैं। इस बार हमारी बारी थी, हमारे परिवार से किसी ने जाना था लेकिन कारणवश हम जा नहीं पाएंगे, तो गांव में से किसी को भेजेंगे, कोई एक आदमी मतलब नंदा को लेके जाएगा और फिर अगले साल मुलाकात होगी। तो ऐसा रहता है नंदा का कौथिक। बाकी अभी मैं भी गांव में तक जाऊंगा और जैसे सारे गांव वाले भेजेंगे ना तो वैसे हम भी वहां पे शूट करेंगे, आपको दिखाएंगे, और फिर जाएगी नंदा मक्कूमठ। तो पहले हम लोग करते हैं नाश्ता, और आज मम्मी ने ना नाश्ते में बनाए हैं लौकी के पराठे। दादी खाए हैं तुमने लौकी के पराठे? लौकी के, लौकी बड़ी। हाँ तो खाओ खाओ लौकी के पराठे हैं, ठीक है ये तो खाओ। तो चलो भाई अभी नाश्ता तो हो गया और अब चलते हैं गांव में जहाँ पे ना नंदा को विदाई देनी है। अभी मैं ना गांव में पहुँच गया हूँ और यहाँ पीछे जो है सब लोग ना नंदा को विदाई दे रहे हैं। और पूरे एक साल बाद जो नंदा आती है ना उसके उनकी आंखों में जो झलक दिखती है ना, मतलब आंसू से विदाई करते हैं ना सब लोग, बच्चे हो बूढ़े हो, क्योंकि जो एक साल बाद जो नंदा आती है ना तो उसका जो आंखों में जो दुख होता है, जो भेजने का दुख होता है, जैसे एक लड़की को अपने ससुराल भेजता है ना वो उसको लेके आते हैं, वो पूरा दुख गांव वालों में दिखता है। और ये यहीं पे नहीं, मतलब हर कहीं भी जाओ, मतलब किसी भी गांव में, हमारे जो 5 गांव में नंदा जाते हैं ना वहाँ पे जाओ, सब लोग ऐसे भावुक होते हैं कि मतलब अगले साल हम कब नंदा को देखेंगे, शायद हम रहें न रहें, मतलब नंदा तो जो आनी है, लेकिन ऐसे देखते हैं कि क्या ही बोले, मतलब इतना दुख रहता सबके बीच में। तभी ना सब लोग वहाँ पे वेट कर रहे हैं, और मतलब नंदा वहाँ पे जितने भी देवी देवता बीच में आते हैं ना सबके दर्शन करती है, वहाँ से उनके परिक्रमा करके फिर यहाँ से उनको विदाई दी जाती है, और यहाँ से पूरा पैदल ही लेके जाएंगे और सीधे मक्कूमठ तक। मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं ना, मतलब नंदा के लिए कितने भावुक है सब लोग। पहले जब गांव में रोड नहीं आई थी ना, तो जब भी किसी की शादी होती थी, किसी को ससुराल भेजना होता ना, सारे गांव वाले यहां पे आते थे, और वैसे ही नंदा को भी वैसे ही भेजा था, जैसे अपनी बेटी को भेजते थे, जिन भावुक पलों के साथ अपनी बेटी को भेजते थे ना वैसे वो नंदा को विदा कर रहे हैं। और यहाँ से ना नीचे तक देखो नंदा की मतलब झलक दिख रही है कि वहाँ तक जा रहे हैं, और सब लोग आप देख सकते हैं यहाँ पे वेट कर रहे हैं कि कब हमारी आंखों से नंदा ओझल हो, तो कब हम देख सकें कि भगवान हमें आशीर्वाद दे और अगले साल भी हम आपसे मिल पाए। तो सबका यही रहता है और इतने भावुक होता है ना सब लोग। तो भाई अभी निकल गई है नंदा सामने, देखो वही भेजे नंदा, अब अगसाल बोले मुलाकात। तो नंदा को भेजने के बाद जो यहाँ पे टेंट्स लगे हुए थे ना उनको अब यहाँ पे फोल्ड करेंगे और उनको रख देंगे पंचायती भवन में। तो सारे लोग लगे हुए हैं इकट्ठा काम करने पे और फटाफट इसको निपटा देंगे। बाकी देखो आजकल खेतों में ऐसा काम चल रहा है भाई, मतलब कुछ लोग गोबर डाल रहे हैं, कुछ सामने देखो हल लगा रहे हैं, तो यही काम हो रहे हैं आजकल गाँव में। और हमारा घर देखो, तो इसको रखेंगे हम इधर अंदर भवन में, मतलब जब भी हमें कुछ भी सामान चाहिए होता है सारा इधर ही हमने इकट्ठा करा रहता है पंचायती का। जो देखो जब हमारे मतलब पांडव नेता या कुछ होता है, ये देखो गदा त्रिशूल ये धनुष वगैरह सब बने हुए इधर, देखो लैंप भी है इधर, पुराने पुराने लैंप, पुराना पुराना सामान ले रहे, अपने बच्चे को लेके जाना इसको ले, हुए तो नहीं पर रख देना। आड़ी बांधो, चल 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 चल, इसको देख के लग रहा है कि हमारे जो पूर्व थे वो बंदर ही थे भाई।
अल नंदा को भेजने के बाद भाई आ चुका है घर पे और प्रवेश अभी यहाँ पे जूते सुखा रहा है। फिलहाल मैंने 2, 4, 6, 8 जूते 8 जूते धुले हैं। पहने सिर्फ एक थे लेकिन धुले 8 हैं और दाढ़ी भी लगी है। किसने धुले रे? यहाँ मेरी आंखों में देख के बोल तो जरा, ज्यादा बदतमीजी मत कर यहाँ पे। और वहाँ पे दीदी लगी है आपने खेत की सफाई करते हुए। और ये सॉक्स भी आय हाय क्या चमक रहे हैं ये देखो। को वाला जो मेन भाई बच्चे पर आया यार तू कुछ। और सामने का मौसम चेक करिए आप, हल्के हल्के बादलों के साथ तुंगनाथ घाटी पूरी कवर हो चुकी है। और ये देखिए परसों जो खेत हमने राजमा का खाली किया था उससे इतना ही राजमा हुआ है। और क्या ही राजमा बनाया नहीं रे, राजमा हुआ है मैं बोली तो सब लोगों को आपको पता है कि आज नंदा को भेज दिया। और आज हमारी माँ नंदा भी माँ भी जा रही है मार्केट के लिए। बोला है मेरे को मार्केट जाना है, कुछ शॉपिंग वॉपिंग करनी है क्योंकि परसों 20 तारीख को आने वाला है करवा चौथ का व्रत। आजा आजा आजा, मेरी मम्मी शर्माती यार बहुत इसको मेरी मम्मी को लेके जाना कैसे मैं बहुत शर्माती है। अब मम्मी ने इतना परेशान किया मेरे को, मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी कल चलेंगे यार, मतलब आज मेरा मन नहीं था, थोड़ा सा घर पे भी काम ही था तो मैंने सोचा कि कल चलेंगे। मम्मी ने मेरा सर फोड़ दिया था, मैं तुम्हारा काम करती हूँ तुम मेरा काम नहीं करती हो, मेरे को लेके जाना आज ही जाना है, कल तो फिर गेस्ट होंगे तो टाइम नहीं मिलेगा। तो मैंने बोला माँ चल ले यार। तो अभी मैं और मम्मी निकल गए। तो यहाँ पे रखी रहती है मैंने अपनी बाइक, तो अभी बाइक करते हैं स्टार्ट और चलते हैं मार्केट के लिए। अब इतना ज़्यादा सामान वो हो गया ना एक गोप्रो मोटो ब्लॉग में ये छोड़ दिया था मैंने घर, ये मेन कनेक्टर। तो अभी अब्बू को बोला मैंने भाई लेके आ जा, चल शाम को जरा एक राइड हमें भी देना यार। ठीक है ठीक है, बहुत टाइम हो गया जब यहाँ पे आएगा ना। ठीक है ठीक है ठीक है, चला लेना यार यहाँ पे आएगा ना जब कॉल करना। ठीक है यहाँ पर रोड की कंडीशन कुछ ऐसी है ना कि जब गाड़ी वहाँ से आ रही हो तो यहाँ पर रुकना पड़ता है क्योंकि बीच से ना पूरा रास्ता टूटा हुआ है। और जब एक बाइक जाती है तो एक ही बाइक जाती है या गाड़ी आती है तो एक ही जा पाती है, वन वे हो गया भाई पूरा। अभी मैं ना मार्केट से थोड़ा सा आगे आ रखा हूँ, मतलब यहाँ से ना ये वाला रूट जो जाता है मधमेश्वर के लिए जाता है, तो मम्मी को मैंने वहाँ पे छोड़ दिया। तो मैंने सोचा यार वहाँ पे पापा के साथ ही बैठ के ही क्या कर रहे हैं दुकान में, बोर होना है उससे बढ़िया आपको कुछ दिखाई देता है। और जिस वाली लोकेशन में अभी खड़ा हूँ ना वो सामने हमारा मार्केट है और ये वाला रूट जाता है मधमेश्वर के लिए। बाकी सामने देखो वो वाला रूट जा रहा है गुप्तकाशी के लिए। और अभी अभी जो मतलब कुंड वाला रोड थोड़ा सा ख़राब हो रखा था ना उसके चक्कर में देखो ये वाला रूट खोलना पड़ा, मतलब ये जो रूट आ रहा है ये सीधे इधर नीचे मिल जाता है और उसके बाद सीधे आगे के लिए बद्रीनाथ के लिए जाते हैं। और यहाँ से कुछ ऐसी प्यारी सी लोकेशन दिख रही है भाई। तो ये वाला जो गांव है ना ये है मंगोली गांव। और यहाँ से जस्ट सामने अगर देखोगे ना तो यहाँ पे है ओंकारेश्वर महादेव का मंदिर, जहाँ पे भगवान केदारनाथ और मधमेश्वर की डोली ना 6 महीने के लिए विराजमान होती है, यानी जब कपाट बंद हो जाते हैं तो आप इनके दर्शन यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो अभी हम लोग ना चाय पीने के लिए आए हैं चाचा जी के यहाँ पे, इनकी छोटी सी फैमिली से ही मिलाते हैं आपको या मेरे चाचा जी। हेलो चाचा जी, अरे इधर तो देखो कैमरे पे। हेलो 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 हेलो, कैसे हो आप? आप हमारे बीच आए हो, थैंक यू चाचा जी। और ये हमारी चाची जी, चाची जी को तो एक ब्लॉग में हमने दिखाया भी था। अच्छा चाची जी क्या है? देखो इनका प्यारा सा बेबी शिवाय। हेलो शिवाय, जाओ अपने को छोटे में देख, बड़े में देखा बोलेगा मैं ऐसा छोटा सा था। हेलो शिवाय। तो मार्केट में थे तो हमने सोचा चाय पीने के लिए ना चाचा के पास चलते हैं और चाची के पास इनसे मुलाकात भी हो जाएगी क्योंकि मम्मी बहुत टाइम बाद मिलती है यहाँ पे, मतलब मार्केट आना ही नहीं होता तो यहाँ पे काम भी निपटा दिया मम्मी ने, तो सोचा चलो चलते हैं जरा। अभी बच्चों को कितना केयर करना पड़ता है, जब हम छोटे छोटे बच्चे थे। चाचा जी आपको आपको भी हुआ ऐसा बांधना कभी ऐसे किनारे पर रस्सी बांध के? घोड़ा भी अस्तबल में घूम ही रहा है उस पे बांध रखा उसको। मैं भी छोटी थी उस टाइम में।
अभी मैंने बोला, मैंने कहा मम्मी मम्मी वो क्या बोलते थे वो अंकल के बेटे को तो करके उन्होंने उसकी दादी ने करके रस्सी पे बांध रहा, चुन्नी पे बांध रहा तब देखा मैंने गरीबी भी थी उस टाइम, पैसा भी नहीं था लोगों के पास क्या करते मिट्टी में लोट पोत हो जाते ऐसे ठीक है बच्चा तुम बाय ठीक है बाय 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 ये हो गई अपनी बाइक कवर और अब चलते हैं घर के लिए। ओरियो को देखो, उसने ऊपर से बाइक का साउंड सुना, वो आ गया लेने के लिए। ओरियो ओरियो आओ, चलो 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 चलो। तो अभी इस टाइम ना 3:30 हो गया और अभी तक हमने लंच नहीं कर रहा है, तो आज ताई ने लंच बनाया था तो वहां से मैं लेके आता हूँ लंच। तो ताई ने मस्त लंच में बना रखा है, चावल है, राजमा की दाल है और खिकंडे की सब्जी, उसमें ककड़ी, और ये रहा भाई हमारा लंच। भाई क्या है रे भाई, ताई ने मस्त लंच बनाया था, राजमा की दाल, हरी सब्जी और खिकंडा। अरे ये तो जरा सब्जी भी निकाल भाई साहब, नहीं रहो ना भाई, टाइम लैप्स नहीं रहो नहीं मैं तो अब्बू और परवेश की तैयारी हो गई, ये जा रहे हैं करोखी। चलो ठीक है ठीक है ठीक है, ये जा रहा है उधर, ठीक है ठीक है, तमिल दावा प्रणाम प्रणाम तमिल दावा, आराम से जाए वहाँ, ठीक ठीक ठीक। इनको 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 टाटा कर दो, टाटा करो इनको। अनिपल खुश हो गया है आज, आज ना अनिपल का फोन आने वाला है तो अनिपल इतना खुश हो रहा है, इसका क्यों लगाया था तूने लोग, अब मत लगाना ठीक है ऐसा, अब लगाएगा दिक्कत हो जाएगी, नहीं तो दिक्कत होता है घर फोन नहीं होता, घर से फोन करने के लिए बहुत दिक्कत होता है। आज अनिपल भी खुश है, बिबूस भी खुश है, आज फोन लेके क्या करेगा सबसे पहले उस फोन में, घर से बात करनी पड़ेगा, 15-16 दिन हो गया। ले भाई अनिपल तेरा फोन ले, खोल तो जरा, खुल रहा है, हाँ टन हो गया, चार्ज कितना है, 10% सोएगा आज रात के लिए, हो जाएगा ना आज रात के लिए, तो बताए हो जाएगा यार, छोड़ कोई बात नहीं, घर से बात करने के लिए मेरी माँ बहुत रोता है कि बहुत दिक्कत होता है, वो मेरा लड़का अब भी फोन नहीं होगा तो क्या होगा किसे होगा वो बोलता है कि तो अनिपल की घर बात नहीं हो पा रही थी ना, इसलिए आज अनिपल का फोन आ गया तो बोल रहा मम्मी परेशान हो रखी थी, बात नहीं हो पा रही थी, अब कर लेना बात ठीक है, कर लेना है, अब आराम से करना बात। बाकी आज अनिपल का फोन आ ही गया है तो आज खुश हो गया, आज बोल रहा कि भाई इधर ही रख लो चार्ज, मैंने बोला जीमेल, मतलब इसने जीमेल नहीं लगाया था ना उसमें तो पासवर्ड खुल नहीं रहा था, तो मार्केट भिजवाना पड़ा मेरे को, नहीं तो मैं घर पे खोल देता उसको, तो अभी तो कर लूंगा मैं इसको। बाकी अभी हो गया है पहाड़ों में भी अंधेरा और हमारा भी ऐसा कुछ था आज का दिन, काम भी मतलब लगभग अब हो ही गया है, थोड़ा बहुत ही बचा हुआ है काम वहाँ पे, वो भी अब 1-2 दिन में निपट जाएगा, और करते हैं हम आज के इस ब्लॉग को भी यहीं पे एंड, फिर मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में नए दिन के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए।